गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर हिंदी चैप्टर 20 पानी। तो पानी पानी के बारे में आपको तो पता होगा, पानी किस काम के आते हैं, पीने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, नहाने में, पेड़ों को पिलाने के लिए आपको पता है ना पानी कितना सारा काम आता है। तो हम देखेंगे, चलो पानी का शब्दार्थ देख लेते हैं। प्यास मतलब तरस, बर्तन तो भाषण, पौधा तो छोड़, सचमुच खरेखर, बर्बाद करना तो वेड़फी नाखो, बगाड़ू आंगन तो आंगणू, खाना पकाना એટલે રાંધવું। તો આપણે જોઈએ, પાણી 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 ન હો તો હમ પ્યાસે મર જાયેંગે, મતલબ કે પાણી 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 તો પાણી 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 ન હો તો હમ ક્યા કરે હો જાય પ્યાસે મર જાય। પીને કે લિયે પાણી ચાહીએ, ખાના પકાને કે લિયે પાણી ચાહીએ। તો ક્યા ક્યા કરને કે લિયે, પહેલે પાણી પીને કે લિયે, પછી ખાના પકાને કે લિયે ભી પાણી ચાહીએ ના, तो खाना पकाने के लिए, बाद में नहाने के लिए भी पानी चाहिए, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए, बाद में घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए, घर की सफाई करना हो, आंगन की धोना हो तो उसको भी लिए भी पानी चाहिए। पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए, मतलब कि पौधों को बड़ा करने के लिए उसमें पानी उसे पीना उसे भी डालना पड़ेगा, तो पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं, पानी के बिना हम रह सकते नहीं। सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है, सचमुच में पानी बहुत कीमती वस्तु है, इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब कि पानी को बर्बाद हमें जितना चाहिए इतना ही हमें पानी लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि सुबह पानी आता है तो हम नल चालू करके पानी भर जाए तो वो पानी फेड़ फाते, मतलब कैसे ही चला जाता है पानी, देखते हैं तो हम ऐसे देखे तो उसे नल बंद करें ऐसा। तो स्टूडेंट एक बार भी फिर से देख ले, बोल दीजिए, पानी 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 ना हो तो हम प्यासे मर जाएंगे, पानी ना होता है तो क्या होंगे हम प्यासे मर जाएंगे। पानी के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, कौन कौन से, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए भी पानी चाहिए, कपड़े धोने के और बर्तन साफ करने के लिए पानी चाहिए, घर आंगन की सफाई के लिए पानी चाहिए, घर आंगन की सफाई करना तो भी पानी चाहिए ना, पौधों की सींचने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं तो कुछ नहीं, सचमुच पानी बड़ी कीमती वस्तु है, इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें पानी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो देखो एक पानी पी रहा है ना, और नीचे मम्मी क्या करती है, बर्तन साफ करती है, सॉरी रसोई बना रही है, इसमें भी पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, पौधों को सींचने के लिए पानी चाहिए, कपड़े को धोने के लिए पानी चाहिए। तो पता चला ना पानी कहाँ कहाँ हम ले गए, पानी के बिना हम रह सकते नहीं, रहे एक मिनट भी हम पानी के बिना रह सकते नहीं है। तो चलो उसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय शब्द और उसके गुजराती अर्थ की जोड़ियाँ मिलाइए, तो उसका मैच करना है। तो बड़ा तो क्या होता है, मोटू, नहाना तो नहावो, बर्तन तो क्या होता है, वासण, आंगन तो आंगण, पौधा तो छोड़। प्रश्न में निम्नलिखित गुजराती शब्दों के पास उनके हिंदी शब्द लिखिए, गुजराती शब्दों के पास क्या लिखना है, हिंदी शब्द। पानी तो क्या होता है, पानी, पानी तो पानी, छोड़ तो पौधा, तरस तो प्यास,
स तो क्या होता है प्यास जी वासण तो बर्तन न छोड़ तो पौधा चीज तो वस्तु ना हवु तो नहा ना प्रश्न 3 कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखी है तो देखो ये क्या है कुआ क्या है कुआ ये क्या है नदी अब देखना है नदी तालाब और सागर है तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए देखना ये क्या है नदी है और ये क्या है सागर देखो बड़ा वाला होता है सागर है और ये क्या है झरना जैसे पहाड़ से बीच में आ जाते उसे बोलते हैं झरना ये क्या होता है आपको ये तो पता हो है ना तो बरसात और ये क्या है तालाब तो चलो हमें फिर से एक बार देख लेते हैं स्वाध्याय शब्द और उनके गुजराती अर्थ की जोड़ियाँ मिलाइए तो बड़ा तो मोटू नहाना तो नाह वो बर्तन तो वासन आंगन तो आंग पौधा तो छोड़ा इन बनेंगे गुजराती शब्दों के पास हिंदी शब्द लिखिए तो पानी तरस तो प्यास वासन तो बर्तन छोड़ तो पौधा चीत तो वस्तु नाहू तो नहाना कोष्टक से उचित शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखे तो ऊपर दिए सागर तालाब झरना बरसात कुआ नदी तो हम देखते हैं इसे क्या बोलते हैं कुआ ये क्या है नदी ये क्या है सागर और ये झरना और ये बरसात और ये तालाब तो स्टूडेंट आपको ये पता चल गया तो स्वाध्याय आपको ये अपनी ऐसी वर्कबुक में लिखना है तो आपको आता हो तो लिख देना ना आता हो तो वीडियो देख के आपको ये स्वाध्याय आपको लिखना है थैंक यू स्टूडेंट